नीचे पहुंचा तो याद आया कि बाइक की चाबी तो ली ही नहीं मैंने। ये रही बाइक की चाबी। अब हम जाएंगे गाड़ी का काम करवाने, तो चलते हैं अपने लैंड क्रूजर के पास और फिर इसका काम करवाने चलते हैं। सो भी गाड़ी चेक करवाई है मैंने, तो उन्होंने बोला है कि वेल्डिंग का कुछ काम होगा। तो अली भाई जी, भाई कैसे हो? कौन से काम है भाई को? हलवा मिक्स कर लिया तो अभी ये रेडी हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, तो क्या हाल चाल है सबके? आई होप कि सब खैर से होंगे, ठीक होंगे, फिट फाट होंगे। सो वी आर बैक विद अनदर व्लॉग। क्या बोला तूने? नहीं पहले क्या बोला? चल, आज सैटरडे है और अभी उठा रहा, थोड़ी देर पहले नाश्ता किया है, तो नाश्ता करके अभी फ्री हुआ हूँ और एक काम जा रहा हूँ बाहर। और काम ये है कि मामू ने ना जमीन के लिए कुछ ना सीट वगैरह मंगवाए थे। सो सीट ये हैं, एक है तीनों का, दो सौ तो बस पे जाऊंगा वहाँ पे जाके, तो इनको ना किसी गाड़ी वाले को देना ताकि वो आगे पहुँचा दें मामू के पास। तो यार चलो चलते हैं, तो देखते हैं अगर कोई गाड़ी वाला मिलता है फिर ये पकड़ाते हैं। और ये आपके भाई के डंबल हैं जिनसे आपका भाई जिम करता है। तो यार जिम क्या करना है, अभी बहुत मोटा हो गया हूँ क्योंकि डाइट वगैरह नहीं था कर रहा, तो इसलिए मोटा हो गया हूँ काफ़ी ज़्यादा। और एक और चीज़ है जो मैंने पकड़ानी है, जो मामू को भेजनी है, वो ये है कि ये फर्मा इसको बोलते हैं, ये पता नहीं टाइल वगैरह पेंटिंग वगैरह बनाने में यूज़ होता है। इंटे तो नहीं खैर कह सकते, टाइल वगैरह पत्थर के ना बनाने के लिए यूज़ होता है। सामान पकड़ लिया मैंने सारा। ओ चलो, मुझे पहुँचा तो याद आया कि बाइक की चाबी तो ली ही नहीं मैंने, तो चलो चलते हैं बाइक की चाबी देते हैं। ये रही बाइक की चाबी, ये पता नहीं भूल गया था मैं इधर ही। यार ये पकड़ा के आके हमने एक और काम करना है, हमारी जो लैंड क्रूजर है ना, जो पहले व्लॉग देखते हैं हमको पता होगा कि हमारे पास जो लैंड क्रूजर है उसका काम करवाना है, एक दो वो काम करवाने चलेंगे। तो पहले ये काम करते हैं फिर वो काम करने चलेंगे। क्योंकि भाई की जो बाइक है वो बगैर चाबी के स्टार्ट होती है, लेकिन लॉक चाबी के साथ लगा होता है, इसीलिए मैं चाबी लेने गया था ऊपर। आधा घंटा वेट करके गाड़ी मिल गई थी, तो सामान भेजा मैंने, अभी गाड़ी निकली है यहाँ से, तो अभी आए हैं अली भाई के पास। क्यों ना मैंने कहा कि अली भाई का हाल अहवाल पूछ लेते हैं। अली भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक, मैं ठीक, आप सुनाओ। ब्लॉगिंग हो रही है सुबह सुबह। हाँ, नाश्ता भी नहीं कुछ कर रहे थे। अच्छा, थंबनेल एडिट कर रहे थे अपनी। गाड़ी का काम करवाने जाना है तो फिर आऊँगा गाड़ी का। चले ओके ओके ओके, ठीक है। भाई को फॉलो किया करो यार, किया करो और गंदे गंदे कमेंट। ठीक है अली भाई, सामान पकड़ा के पहुंचा हूँ घर। जैसे कि पता है कि गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, तो वो गर्मी बहुत ज़्यादा, बाहर घर पहुंचा, सांस लिया थोड़ी देर। अब हम जाएंगे गाड़ी का काम करवाने, तो चलते हैं अपने लैंड क्रूजर के पास और फिर इसका काम करवाने चलते हैं। तो भाई साहब ये है अपनी लैंड क्रूजर, इसका काम करवाने चलेंगे, तो चलते हैं पहले दरवाज़ा और इसको बाहर निकालते हैं। बाहर निकल गई है, चलो बैठते हैं और चलते हैं। इसके ना फ्रंट वाले टायर्स हैं ना, जो उनका ना कोई मसला आ रहा है, चल नहीं रही सही से, तो उनको रिपेयर करवाना है थोड़ा, तो देखते हैं कि क्या बताते हैं, बाकी चेक करवाते हैं जहाँ से उनको, जो भी बताएंगे करवा लेंगे इंशाल्लाह। सो भी गाड़ी चेक करवाई है मैंने, तो उन्होंने बोला है कि वेल्डिंग का कुछ काम होगा, तो अभी वेल्ड करेंगे। सो यार फाइनली काम करवा लिया गाड़ी का, गई फिट हो गई है, तो चल भी ठीक रही है। पहले आवाज़ आ रही थी इसके आगे फ्रंट टायरों में से, अभी नहीं आ रही, तो चलो चलते हैं घर की तरफ वापस, तो जाके बैठते हैं। बाहर गर्मी इतनी ज़्यादा है, मेरी हालत देख रहे होंगे आप, क्या बनी पड़ी अब सीने की वजह से। अरे यार बड़ी गर्मी है बाहर, बहुत ज़्यादा गर्मी है। अली भाई का मुझे मैसेज आया था कि यार अतर भाई आ जाओ, गपशप लगाते हैं बैठ के, तो चलते हैं अली भाई के पास। यार मेरे मोबाइल का ना जो प्रोटेक्टर है ना ग्लास, वो ब्रेक हुआ हुआ है काफ़ी, और अपने मोबाइल का प्रोटेक्टर भी रिप्लेस करवा रहे थे, तो चलो यार निकलते हैं अली भाई के पास। और यार ग्लास के साथ साथ मेरे मोबाइल का ना जो स्पीकर्स है ना, मेरे मोबाइल में 3 स्पीकर्स हैं, उनमें से 2 काम नहीं कर रहे, तो अली भाई को भी चेक करवाएंगे कि यार अली भाई देखो क्या मसला है इसको, ये वर्क क्यों नहीं कर रहे। तो अली भाई वैसे भी उनकी शॉप है मोबाइल की, आपको ऑलरेडी पता होगा, मेरे पहले मैंने व्लॉग में बताया होगा कि अली भाई मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनकी मोबाइल शॉप है, तो वो भी यूट्यूबर हैं, उनका भी माशाल्लाह से चैनल मोनेटाइज हो गया हुआ है, तो मिलता हूँ वहाँ जाके। सो फाइनली यार अली भाई के पास पहुँच गए हैं। अली भाई कैसे हैं आप? फिट फाट भाई, आप सुनाओ ठीक ठाक? दोपहर का तो निकल गए थे आप टाइम से?
नहीं वो काम गया था एक मतलब, अभी आ गया हूँ अभी शॉप पे, कस्टमर को डील कर रहा हूँ। मुझे भी एक दो काम है आपसे। क्या काम है मुझसे? एक तो मेरे मोबाइल के स्पीकर नहीं काम कर रहे। उस स्पीकर के अंदर कुछ जाने वाला है, उसकी छोटी है तो मारा जो उजार है वो बड़ा है। तो इस वजह से ना आपका मोबाइल कोई इस तरह परेशान थोड़ा होगा, बकायदा हो जाएगा, रिपेयरिंग करवाओ थोड़ी सी उसकी अच्छी वाली। नहीं वो रिपेयरिंग वाले हमारे डॉक्टर साहब पीछे हैं, वो बैठे हैं। जी जी वो जरा ना इस टाइम पबजी में जरा, जब मैं आया था आपके पास तब भी आप पबजी खेल रहे थे। हाँ पबजी की आजकल जुनून चढ़ा हुआ है। भाई मैं कह रहा हूँ कि एक तो ग्लास मेरा इसका चेंज करवाने वाला है, प्रोटेक्टर ग्लास जो होता है वो आपको चेंज तो करके दिया कुछ दिन पहले। नहीं वो टूट गया, फिर चले वो नया डाल देंगे। हाँ एक वो और स्पीकर देखने जरा। आप हमारे चैनल पे वीडियो देखते हो हमारी? हाँ वो मैंने अपने व्यूअर्स से भी इंट्रोड्यूस करवाया कि अली भाई ऑलरेडी यूट्यूब पर है। देखो तो भाई मैं वो क्या कहते हैं फ्री चीजें भी दूंगा उसमें, वो करने वाला हूँ क्या कहते हैं उसको गिव अवे भी करने वाला हूँ। तो मैं अपने चैनल पे गिव अवे भी करने वाले, जल्दी जल्दी से भाई जाके सब्सक्राइब करो और गिव अवे का हिस्सा बनो जल्दी जल्दी। भाई को भी सब्सक्राइब करो जरा यार, इनको बता दो ना चैनल का नाम। चैनल का नाम उधर जरा वीडियो घुमाओ ना, डिवाइस पॉइंट वन के नाम से टेक वीडियो आपको देता हूँ, नॉन पीटीएफ फोन की बेस्ट बेस्ट अच्छी डिवाइसों की, जो हैंट्री अच्छी होती है, जो हर चीज की देता हूँ। जिस तरह की आजकल ट्रेंडिंग है मोबाइल की बैक शीट की, तो आजकल ये वीडियो बड़ी जा रही है मेरी, तो ऑनलाइन लेने के लिए भाई व्हाट्सअप पे व्हाट्सअप नंबर भी लगा दिए डिस्क्रिप्शन में, आप चाहें तो यार जिसको भी सर्विस चाहिए वो भाई से रابطہ कर सकते हैं। और आपकी जो स्पीकर वाला मसला वो भी हल हो जाएगा इंशाल्लाह जल्दी। चलो ठीक है, अली भाई ने हमारा मसला लगा दिया लेकिन स्पीकर वाला मसला नहीं हल हुआ, तो काफी गपशप लगाई अली भाई के पास बैठ के, बड़ा मजा आया। अली भाई फिर हम चलते हैं यार। अब जी गेम लगाई है भाई, भाई गेम बढ़िया भाई, खेल निकाले कितने 22 आपके कितने थे? हमारे 6। अच्छा आप बिजी थे ना इसलिए। सो भाई साहब घर पहुंच गए हम, तो आपका भाई कुकिंग भी बहुत अच्छी कर लेता है, आते हुए मैंने नूडल्स ले लिए थे शॉप से, तो आपका भाई कुकिंग इतनी अच्छी करता है कि मज़ा आ जाता है खाने का, तो अभी हम नूडल्स बनाएंगे। बॉयल आ गया है तो अभी हम अपने नूडल्स को इसमें डालेंगे, मैंने डाल दिए हैं, अभी इनको बॉयल होने का वेट करेंगे, तो फिर इसमें जो मसाला है चिकन का वो डालेंगे, तो फिर हमारे नूडल्स रेडी हो जाएंगे। नूडल्स हमारे बॉयल हो गए हैं अच्छी तरह, तो चलो जल्दी से इसमें मसाला डाल लेते हैं और फिर 2-3 मिनट में रेडी हो जाएंगे। सुबह साहब मसाला मिक्स कर लिया है तो अभी ये रेडी हो गए हैं, तो चलो जल्दी से सर्व करते हैं। सो यार प्रेस में डाल लिए हैं, तो अभी खाते हैं मज़े से इनको। पसीना मुझे आ गया है, चूल्हे के आगे खड़ा हो कितनी देर, तो अभी खाएंगे। बड़े मज़े के बने लेकिन गर्म है। तो यार अभी आज मैं ब्लॉग को इधर ही एंड कर रहा हूँ, जिसको वीडियो अच्छी लगी हो आई होप कि अच्छी लगेगी, वो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।